आजाद हुआ और उसके बाद शुरू हुई संविधान निर्माण की चुनौती। पर हमारे देश के काबिल नेताओं ने इस वाली चुनौती को भी बखूबी स्वीकार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू जैसे दिग्गज नेताओं के साथ और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद संविधान को पूरा किया और देश में लागू किया गया। इस 3 साल के भीतर देश की अवस्था बेहद संवेदनशील थी, तो भी हमारे देशवासियों ने पूरी शांति और पूरी समझदारी के साथ देश में शांति बनाए रखा। और बापू ने जो आजाद और लोकतंत्र भारत का सपना देखा था, आज हम उसे जी रहे हैं। पर भाई और बहनों, ये आजादी, ये लोकतंत्र हमें यूं ही नहीं मिला। इसके लिए हमारे हजारों लाखों वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, देशवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पर भारत अंग्रेजों के सामने कभी झुका नहीं, अपना कड़ा विरोध प्रकट किया, भगावत कर दी और अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि भारतीयों को उनकी देश और उनकी मातृभूमि को